साइक्लोएल्केन्स का जनरल फार्मूला हो गया जैसा कि एल्कीन्स वाला होता था, CnH2n। उसके बाद अगला देखेंगे अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का एनसीआरटी हो या लखमीर सिंह हो, एक ही एग्जांपल दे रखा है बस, बेंजीन। अनसैचुरेटेड में इनको क्या कहा जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बोल देते हैं। इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बोल देते हैं। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें से अच्छी खुशबू आती है उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये परफ्यूम वगैरह बनाने में ये काम आते हैं जो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब इसमें हम एक एग्जांपल देखेंगे, बेंजीन। बेंजीन बेंजीन कैसे बनेगा, इसमें छह कार्बन एटम्स होंगे और ये पूरा ऐसे अटैच होंगे जैसे एक के पीछे एक साइकिल बनती है, और इसमें ना डबल बॉन्ड जो है वो ऑल्टरनेटली लगा रहेगा। जैसे यहाँ कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर अगला वाला जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये हो गया। तो अब अगर मान लीजिए इस वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ पर कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 1, 2, 3, तो एक बचा अभी, तो H इधर आ गया। ऐसे ही इसकी बात करें तो 1, 2, दो तो इधर और एक इधर, तो 3, एक बचा तो H इधर। इसकी बात करें तो सिंगल बॉन्ड और दो बॉन्ड्स इधर, तो एक बचा H इधर, और इसकी बात करें तो दो बॉन्ड्स इधर, एक बॉन्ड इधर एच। इसकी बात करें तो अगेन 3 है, तो एक एच, फिर एक एच, ये वाला हो गया। इसको कहते हैं बेंजीन, इसका कॉमन नेम बेंजीन है। ठीक है, इसको जो है कॉमन नेम है बस बेंजीन, हेक्सीन। अच्छा, आपका मतलब है कि साइक्लोहेक्सीन कहें इसको, साइक्लोहेक्सीन। कॉमन नेम इसका कहीं मेंशनड नहीं है, बस बेंजीन ही कहते हैं इसको। सॉरी, जो केमिकल नेम है कोई मेंशनड नहीं है, चेक करके बताता हूँ कि इसका केमिकल नेम है क्या। ठीक है ना, तो कई बार तो क्या है कि कई बार क्या कह रहा हूँ कि कई सालों से अगर देखा जाए तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पेपर में आया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जितना दे रखा है उतना मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है नोट्स में, उतना आप कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पेज नंबर 14 पर देखिए क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो आपको तो फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है किसका, साइक्लोपेंटेन का। तो साइक्लोपेंटेन बता देंगे ऐसे आराम से। साइक्लोपेंटेन कुल मिलाकर, पेंटेन का मतलब क्या है कि सिंगल बॉन्ड्स आएंगे, एन है ना, तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड्स आएंगे, और सिंगल बॉन्ड्स आएंगे साथ में साइक्लो दे रखा है, तो इसका मतलब 5 कार्बन एटम बैक टू बैक जुड़कर एक रिंग बना देंगे। तो साइक्लोपेंटेन, हाँ, एक छोड़कर डबल बॉन्ड इस वजह से बन रहा है। अगर मान लीजिए हम लगातार बना देंगे ना, मान लो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, अगर हमने लगातार बना दिया तो ये वाला कार्बन, इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स बन जाएंगे, दो बॉन्ड्स इधर और दो बॉन्ड्स इधर, तो 4 वैलेंसी हो गई। तो फिर क्या है, फिर इस पर हम जो हाइड्रोजन है ना वो लगा ही नहीं पाएंगे। तो जब हाइड्रोजन लगा ही नहीं पाएंगे तो फिर ये कार्बन कार्बन का ही रह जाएगा कंपाउंड, इसको हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते। हाइड्रोकार्बन का मतलब उसमें हाइड्रोजन भी होना जरूरी है। ठीक है ना, तो इसलिए ऑल्टरनेटली डबल बॉन्ड लगा कर देख लिया गया, और ट्रिपल बॉन्ड तो फिर अगेन आप समझ ही रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड तो फिर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, है ना। कि ट्रिपल बॉन्ड अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया और इधर एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया, तो ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो फिर हाइड्रोजन यहाँ आएगा ही नहीं, तो अगेन वो भी हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। इसीलिए डबल बॉन्ड में भी ऑल्टरनेट लगाया जाता है। ठीक है, साइक्लोपेंटेन में क्या है, 5 कार्बन एटम है और सिंगल बॉन्ड से पांचों को जोड़ देंगे, क्या बनाएंगे, एक पेंटागन। तो अगेन वही, इस कार्बन के दो बॉन्ड्स बन रहे हैं तो दो बचेंगे, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। इस कार्बन के भी दो बन रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस कार्बन के भी दो बन रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपका साइक्लोपेंटेन हो गया। आगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, वो मैं बता नहीं रहा हूँ, वो आपको पता ही है। सिंगल बॉन्ड हटाते जाना है और उसकी जगह दो दो डॉट्स लगाते जाना है, वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 14 पर ही अगला देखेंगे टॉपिक, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में देखिएगा क्या है, वन कार्बन एटम इज इंडिकेटेड बाई मीथ। तो ये हमको पता ही है, मैं एक बार फटाफट रिपीट कर रहा हूँ इसको, वन कार्बन एटम इज इंडिकेटेड बाई मीथ, एक कार्बन एटम है तो मीथ, टू कार्बन एटम्स आर इंडिकेटेड बाई ईथ, थ्री कार्बन एटम्स आर इंडिकेटेड बाई प्रॉप, फोर है तो ब्यूट, फाइव है तो पेंट, सिक्स हेक्स, सेवन हेप्ट, एट ऑक्ट, नाइन नॉन और टेन बाई डॉक। उसके बाद टेन बाई डेक। उसके बाद अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड्स इज इंडिकेटेड बाई राइटिंग द वर्ड एन आफ्टर द स्टेम, स्टेम मतलब जो ब्रांच है पूरी की पूरी, तो उसमें लास्ट में एन लगा दिया जाता है अगर सिंगल बॉन्ड है तो, एन वही एल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, वो। सिमिलरली एल्कीन्स आर इंडिकेटेड बाई राइटिंग द वर्ड ईन आफ्टर द स्टेम, तो उसमें ईन लगा दिया जाता है, एंड एल्काइन्स आर इंडिकेटेड बाई राइटिंग द वर्ड आइन आफ्टर द स्टेम, ठीक। अच्छा जी, नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये पेज नंबर 15 पर जो ये चार पांच एग्जाम्पल दे रखे हैं, जरा ये आप पढ़ो, फिर उसके बाद IUPAC नेमिंग करवाता हूँ, ये पढ़ लो क्योंकि ये हम कर चुके हैं, ये वही है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बस इनको फटाफट पढ़ लो जितने भी चार पांच एग्जाम्पल्स हैं। मैं जरा अभी आया, एक मिनट वेट करिए बस।
Thank you.